हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। कल हमने क्वेश्चन नंबर 26 से कंप्लीट कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट दे रखी है इसमें 0 से लेके कहाँ तक, पाई बाई टू तक, 0 से पाई बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। पहले क्या करेंगे इसमें, हम कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में बदल देंगे, यहाँ देगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को इसमें बदल दिया कॉस स्क्वायर एक्स में, तो आएगा 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन एज इट इज आएंगे पेपर में, और कुछ क्वेश्चन इसके ना स्टार्टिंग के स्टेप आपको सीधा सीधा रटने पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के स्टेप नहीं समझ में तो क्वेश्चन होने का नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना आएगा 4 माइनस के 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये जाएगा 0 टू पाई बाई टू, ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस के 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर बना दूंगा मैं। ठीक है, कैसे बनाऊंगा, देखो देखो स्टार्टिंग में तो ये कंसेप्ट था, हमने साइन स्क्वायर एक्स को बदला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, अब एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स आता है, ये कंसेप्ट आर एस अग्रवाल में दे रखता है, तो डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाई कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, फिर नीचे sec square x को tan square x में बदलते हैं, फिर tan x को t मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लेना, जहाँ मैंने आपको फॉर्म देना था ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वही काम करने वाला हूँ, इसमें cos square x से डिवाइड करने के लिए न्यूमरेटर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1, यहाँ 1 नहीं है, इस cos square x से ड्रॉप को क्या लिख दूँ, 1 लिख दूँ, लेकिन ऐसे थोड़ा लिखूंगा, अब इसे हटाऊंगा तो जरूर कैसे हटाऊंगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 3 से डिवाइड करूंगा, माइनस 3 से क्या करा मल्टीप्लाई, माइनस 3 से क्या करा डिवाइड, 4 प्लस करा और 4 क्या करा माइनस, ये आ गया माइनस का 1 अपॉन 3, 0 टू पाई बाई टू, 4 माइनस के 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस के 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ये माइनस ले लो, माइनस के 4 अपॉन 4 माइनस के 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा करने का क्या फायदा मिला, इसका तो होगी वैल्यू 1 माइनस के 1 बाई 3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू 1 डी एक्स माइनस के 4, ये आ गया 1 अपॉन 4 माइनस के 3 कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये आ गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसमें कॉस स्क्वायर एक्स क्या मानेंगे, टी मानेंगे, इसका 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, तो अब हमने यहाँ पे जो बनाया था 1, उसका रीज़न ये था कि बस यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि मैं ऊपर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा, क्या आगे आपका 1 डी एक्स माइनस के 4 1 अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 का इंडिकेशन तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसमें पहले हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, देखो कितना आएगा माइनस का 1 बाई 3, 1 का इंडिकेशन कितना होगा एक्स, इसमें लिमिट रख जाएगी 0 टू पाई बाई 2 माइनस का 4 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये लिखा होगा। ठीक है, इसी को यूज करो तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन आएगा 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस के 3 dx, लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाय sec स्क्वायर एक्स आ गया। अब आपको ऊपर वाले sec स्क्वायर एक्स को नहीं कुछ करना, नीचे वाले sec स्क्वायर एक्स को आपको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखना है, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होती है, ये तो आपका पाई बाई टू आ गया माइनस के 4, ये आ गया आपका sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कितना आ गया 4 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस कितना आ जाएगा 3, ये कितना आएगा माइनस का 1 बाई 3, ये आ गया आपका पाई बाई टू माइनस का 4 sec स्क्वायर एक्स अपॉन 0 टू कितना है पाई बाई टू, ये आएगा 4 प्लस का 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस कितना है 3, 0 टू कितना आ गया पाई बाई 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, आगे 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, अब 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स में
टेन एक्स को हम टी मान लेंगे क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशियल ऊपर रखा है। यहाँ के माइनस वन अपॉन थ्री पाई बाई टू माइनस के फोर जीरो टू पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आ गया वन प्लस फोर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है यहाँ पर टेन एक्स को क्या मान लें टी मान लें क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या रखा ऊपर टेन एक्स का डिफरेंशियल रखा है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ गया आपका टेन एक्स को टी मान लिया हमने टेन एक्स का डिफरेंशियल हो गया टी माना। तो यहाँ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया डी टी एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो टी कितना आएगा टेन जीरो टेन जीरो जीरो होता है एक्स की जगह पाई बाई टू रखूंगा तो टी कितना आएगा टेन पाई बाई टू टेन पाई बाई टू कितना होता है पता है नॉट डिफाइन तो लिमिट आ जाएगी आपकी जीरो टू नॉट डिफाइन पाई बाई टू तो जाएगा माइनस के वन बाई थ्री यह आ गया आपका पाई बाई फोर माइनस फोर यह आ गया आपका जीरो से लेके इन्फिनिटी तक यह आ गया डी टी अपॉन कितना आ गया वन प्लस फोर टी स्क्वायर। इससे क्या फायदा मिला वन अपॉन वन प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ना वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इसमें मैं फोर कॉमन ले लूंगा उसको रब कर दिया थोड़ा सा तो यह जाएगा आपका माइनस के वन बाई थ्री पाई बाई टू फोर फोर कॉमन आएगा तो यह जाएगा आपका डी टी अपॉन वन अपॉन फोर वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए तो आगे माइनस के वन बाई थ्री पाई बाई टू फोर से फोर कट गया वन आ गया वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए वन अपॉन ए कितना है वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट आएगी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक तो आ जाएगा माइनस के वन बाई थ्री पाई बाई टू माइनस के टू टेन इनवर्स टू टी लिमिट कितनी आएगी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है टेन जीरो कितना होता है जीरो होता है टेन इन्फिनिटी पता कितना होता है पाई बाई टू क्योंकि टेन पाई नाइनटी की वैल्यू पाई बाई टू होती है टेन नाइनटी की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है तो टेन नॉट डिफाइन कितना होगा टेन इनवर्स नॉट डिफाइन पाई बाई टू पाई बाई टू माइनस के टू इन टेन इनवर्स ये तो हो गया आपका इन्फिनिटी ये आ गया टेन इनवर्स जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो याद आएगा माइनस के वन बाई थ्री पाई बाई टू माइनस के टू पाई बाई टू माइनस जीरो तो आएगा आपका माइनस के वन बाई थ्री पाई बाई टू माइनस का वन बाई थ्री इंटू माइनस के पाई बाई टू तो कितना आ जाएगा पाई बाई सिक्स ये आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं ठीक है आंसर तो सही है इसका पाई बाई सिक्स आ रहा है। यहाँ पे हमने आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी टर्म आएगी ना तो आपको क्या करना है कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा था फिर जैसा ये नीचे था वैसा ऊपर बनाया था फिर अलग अलग तोड़ा था फिर ये आ गया था फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने डिवाइड किया उसके बाद नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स मिलता फिर टेन एक्स को टी माना क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशियल ऊपर रखा है लिमिट भी चेंज हुई फिर उसके बाद वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया। ये आपको ध्यान रखना है कभी भी वन अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 में भी आपको एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी देखो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ये आपको क्वेश्चन नंबर 28 में देखा पाई बाई सिक्स से लेकर के पाई बाई थ्री तक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जिसका डिफरेंशियल होता है ना वो बना हुआ नीचे किसका डिफरेंशियल होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का देखो कैसे होता है पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री। अब देखो कैसे बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट साइन टू एक्स ठीक है प्लस का वन कर रहा हूँ माइनस वन कर रहा हूँ ये वन मैंने प्लस किया माइनस का वन किया प्लस वन अगर मैं वन से वन काट दूँ तो वापसी हो जाएगा साइन टू एक्स। अब क्या करेंगे ये लिखूंगा मैं साइन एक्स पाई बाई थ्री से पाई बाई सिक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये जो डिफरेंशियल है ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का है क्योंकि साइन एक्स का तो कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो इसको मैं लिखूंगा वन माइनस कॉमन लूंगा यहाँ से वन माइनस साइन टू एक्स यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया। अब मैं वन को पता है क्या लिखूंगा ये बहुत ही टिपिकल से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस बार बार आपको करनी पड़ेगी
नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे वन आ गया, अब मैं वन को क्या लिखूंगा पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन टू एक्स की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। इसको मैं कंप्रेस कर दूंगा, क्या जाएगा कंप्रेस हो गया पता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कितना हो गया, वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको टी मान लूंगा, इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा है, क्या किया मैंने पहले वन प्लस किया, पहले मैंने क्या किया साइन टू एक्स लिखा, ए इस तरीके से साइन टू एक्स लिखा हुआ, यहाँ पे वन मैंने प्लस किया, वन माइनस कर दिया प्लस साइन टू एक्स। उसके बाद मैंने यहाँ से वन माइनस कॉमन लिया, ये वन माइनस साइन टू एक्स गया, वन को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर माइनस का टू साइन स्क्वायर, यह आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हम इसको मैं टी मान लूंगा, अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम टी मान लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। ये इतना सारा जो किया गया था वो इसी वजह से किया गया था कि ये जिसका डिफरेंशियल है वो बनाऊंगा नीचे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसे, साइन एक्स का डिफरेंशियल होगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इंटू डी टी, तो ये आ गया आपका, लिमिट भी चेंज होगी अब दूसरी बात, तो ये तो आ गया आपका डी टी अब वन अंडर वन माइनस डी स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन तो हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन तो वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, तो वो प्रॉब्लम तो खत्म हो गई ना। अब लिमिट चेंज होगी हमारी, यहाँ पे पाई बाई सिक्स और यहाँ पे कितनी है पाई बाई थ्री है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ पाई बाई थ्री, तो टी आ जाएगा आपका कॉस पाई बाई थ्री माइनस के साइन पाई बाई थ्री का, कॉस पाई बाई थ्री जो होता है कॉस सिक्सटी होता है, कॉस सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू, और एक्स वैल्यू अगर मैं पाई बाई सिक्स लूंगा तो टी आ जाएगा आपका कॉस पाई बाई सिक्स माइनस के साइन पाई बाई सिक्स, यह आ जाएगा आपका रूट थ्री बाई टू माइनस के वन बाई टू। कॉस पाई बाई सिक्स कितना होता है कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू होता है, तो लिमिट आ गई आपकी, लिमिट यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से ना, पाई बाई सिक्स पे तो लिमिट आई आपकी रूट थ्री बाई टू से लेके कहाँ तक माइनस वन बाई टू तक, और पाई बाई थ्री पे कितनी है माइनस के वन बाई टू से लेके वन बाई टू से लेके माइनस के रूट थ्री बाई टू, यहाँ आगे डी टी अपॉन अंडर वन माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, पाई बाई सिक्स कितना होता है थर्टी होता है ना, तो साइन कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री बाई टू और साइन थर्टी की वैल्यू बाई टू। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स गलती कर गया मैं, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, तो ये साइन पाई बाई थ्री माइनस कॉस पाई बाई थ्री। साइन पाई बाई थ्री होता है साइन सिक्सटी, तो यह जाएगा आपका रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, और यह आएगा साइन पाई बाई सिक्स माइनस कॉस पाई बाई सिक्स। साइन पाई बाई सिक्स होता है साइन थर्टी होता है वन बाई टू रूट थ्री बाई टू माइनस के रूट थ्री बाई टू, तो आएगा आपका रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, और यह आएगा माइनस के वन बाई टू माइनस के रूट थ्री बाई टू। अब या तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई कर दो, नहीं तो उसमें आप एक काम करो पी सेवन अप्लाई कर दो, पी सेवन में एफ टी दे रखा है मुझे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस के टी पुट करते हैं तो यह जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस माइनस के टी स्क्वायर, क्या जाएगा वन अपॉन अंडर माइनस टी स्क्वायर आ गया। एफ ऑफ माइनस की पुट करने पे वापसी कितना आ गया एफ टी आ गया, तो लिमिट क्या होगी जीरो टू क्या जाएगी ए हो जाएगी, उसको रब कर रहा हूँ मैं पूरा, तो लिमिट कितनी हो जाएगी जीरो टू ए, तो लिमिट आ गई एफ टी जीरो से लेके रूट थ्री बाई टू रूट थ्री माइनस वन बाई टू, और ये आ गया वन अपॉन अंडर वन माइनस टी बनता है डी टी बाहर टू आ गया टू, यह आ गया साइन इनवर्स टी, लिमिट आ गया जीरो से लेके रूट थ्री माइनस वन बाई टू टू साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू माइनस साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो तो जीरो होता है, तो आंसर आ गया टू यहाँ इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन, यह आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर करेक्ट है इसका। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा पी सेवन अप्लाई करिए, पी सेवन बस इसलिए अप्लाई करिए ताकि लिमिट जल्दी से सॉल्व हो जाए, नहीं तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ता। मैंने माइनस कॉमन लिया यहाँ पे, कैसे लगी माइनस ए टू ए पता है, पहले मैं क्या करूँगा ये लिखूंगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा फिर आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, और यहाँ के टी टी अपॉन अंडर वन माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें लगेगी पी सेवन माइनस ए टू ए, ये हो गया माइनस के वन माइनस रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, और ऊपर हो गया रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू। पी सेवन में क्या करते हैं एक्स से जगह माइनस एक्स पुट करते हैं,
अगर वापसी एफ एक्स आ जाए तो लिमिट आपकी 0 टू ए हो जाती है और इंटीग्रेशन ट्वाइस हो जाता है। फिर साइन वर्स एक्स आ गया, साइन वर्स ए, लिमिट पुट करिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट, साइन वर्स 0 होता है, तो आंसर ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे पहले 30, ठीक है।